लेकिन ये एक बड़ा मिथ है लोगों के अंदर में कि मैं पहले ट्रेडिंग करके पैसा कमा लूँ। पहले मैं मेरी बात बता देता हूँ भैया, मैंने ट्रेडिंग करके पैसे कमाए तो 10 साल तक मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। 10 साल तक मैं ट्रेडिंग करता रहा और मेरे जो मैं कई जगह बोल चुका हूँ इसलिए रिपीट, लेकिन चूंकि क्वेश्चन रिलेवेंट है, मेरे पास में मेरे लड़के के लिए 14 रुपया का दूध का डब्बा खरीदने के लिए नहीं था मेरे पास में। आप वो एडवर्सिटी में जाना चाहोगे क्या? आप वो एडवर्सिटी देख सकते हो क्या? मेरे तो पीछे आगे पास ने पीछे पौवा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, तो मैंने तो वो चीज देख ली। आप वो चीज देख सकते हो क्या? अगर आप वो एडवर्सिटी देख सकते हो, 10 साल तक आप इस तरह रह सकते हो कि आपको मालूम नहीं है कि रात को कल सुबह आप क्या है। तो आपने अभी क्लिप देखी होगी विजय केडिया जी की, जिसमें उन्होंने कहा था ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग वाली जो क्लिप है, अब उसको प्रस्पेक्टिव में रखते हुए मैं आपको अपनी शेयर करता हूँ मेरा ओपिनियन और क्यों वो जो क्लिप है वो बहुत एक्यूरेट है। पहले तो आप ये देख लो, पहले मैं इक्विटी ट्रेडर था, इक्विटी अभी भी करता हूँ, बट मैंने FNO शुरू करा लास्ट ईयर समझ लो, तो जाए September 21 का पहला भी यही देख लो। अब देख लो इसमें लॉस है, इसमें कोई भी महीना प्रॉफिटेबल नहीं था, सारे लॉस थे। ये ऐसा टाइम था जब भी मैं स्ट्रैटेजीज ट्राई कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, कोई कुछ फिक्स नहीं था मेरा, ना स्ट्रैटेजी ना रिस्क मैनेजमेंट थी, कुछ भी नहीं था, बस मैं पैसे आग लगा रहा था, सीख रहा था, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं अगर September 1 से February 28 तक, तो ग्रीन देखने को मिल रहा है हमारे को, जबकि ये देखो आप अभी भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं बिल्कुल भी बढ़िया ट्रेडर नहीं हूँ, बट ये सारे महीने मेरे अब ग्रीन गए हैं बैक टू बैक, जनवरी छोड़कर। और मैंने कई सारी चीज़ें चेंज करी हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले एक दो पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, जो लोग कहते हैं फुल टाइम ट्रेडर बनना है, फुल टाइम ट्रेडर बनना मेरे हिसाब से तो गलत है, मैं नहीं बनना चाहता, मेरा बिजनेस है, मैं उससे पैसे कमाता हूँ, मेरे को ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमाने हैं। ट्रेडिंग एक स्किल है जो मैं डेवलप कर रहा हूँ, जो फॉरएवर रहेगा मेरे साथ, तो मुझे कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए कि मुझे इस साल कमाने हैं अगले साल कमाने हैं। अगर मार्केट पूरी ज़िंदगी खोली है तो मैं पूरी ज़िंदगी इससे पैसे कमा सकता हूँ। तो ट्रेडिंग को एक स्किल समझो जिसको आप डेवलप करो विद टाइम। जल्दबाजी रहती है लोगों को पैसे कमाने की, इसलिए वो लॉस करते हैं। लोग इंटरनेट बहुत ज़्यादा देखते हैं, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है, ट्रेडिंग बिल्कुल भी स्ट्रैटेजी गेम नहीं है, ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है। आएंगे रिस्क एंड साइकोलॉजी। मेरे को सारे पैसे जो मैंने बनाए हैं 1, 2, 3, 4, 5 महीनों में, ये सारे रिस्क और साइकोलॉजी, देखो मैंने जनवरी में थोड़ा सा अपना रिस्क साइकोलॉजी खो दी थी, रिस्क नहीं खोया, सिर्फ 4% खोया मैंने, बट मैं साइकोलॉजी खो चुका था। मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे ध्यान नहीं दे रहा था, लालच कर रहा था, ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था और मेरे को बैकफायर करी। फेब्रवरी में देखो एक ही दिन में 28,000 मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस है 15K, ये यहाँ तक स्लिप हो गया। ये स्लिप नहीं हुआ, ये साइकोलॉजी होती है, दिमाग हिला होता है जब आपका ना, आपको ग्रीड रहती है, अवेयरनेस जो है, मेरा तो मेरे एडवांटेज है, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, आप ग्रीड रहती है, आप घुसे रहते हो, वो आपको बैकफायर करेगी। तो एक दो चीज़ें हैं जो मैंने अभी सीखी हैं, मैं सीख रहा हूँ, मतलब मैं अभी अच्छा ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट विद टाइम डेवलपमेंट हो रही है। तो आप मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिस्क और साइकोलॉजी। अगर आप पैसे खोगे नहीं ना, तो पैसे कमाने के लिए तो मार्केट फॉरएवर खुली है, बट अगर पैसे खोते रहोगे तो आप कभी अच्छे ट्रेडर बन ही नहीं सकते। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है ना, तो आपको टाइम लगेगा, सबसे पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करो। जब मैंने वो 5-5 लाख खोए ना, तो मेरा कैपिटल ही 4-5 लाख का था, मतलब मेरा कोई फिक्स कैपिटल नहीं है, मैं इन्फ्यूज़ करता रहता हूँ क्योंकि मेरे को इससे पैसे नहीं कमाने, बट तब मैं 4-5 लाख रुपये लेके आया था और मैंने बार बार खोते रहता था और बार बार आते रहते थे। अब मेरा इक्विटी में प्रॉफिट 4-5 लाख का है, इसलिए मेरे को इतना फ़र्क पड़ा नहीं उस लॉस से, बट क्योंकि मैं बार बार पैसे ऐड करता रहता था और फिर मैं खो देता था। और अभी मेरा कैपिटल फ़िलहाल इस मतलब FNO के लिए 10-12 लाख रुपये है, तो अब मैं काफ़ी डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। बट मैंने ये देखा कि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे ना, तो ही आप कंसिस्टेंटली पैसे कमा सकते हो। स्ट्रैटेजी आप कुछ मर्जी ले लो, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, ट्रेंड फॉलोइंग, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो आप बेसिक स्ट्रैटेजी हैं जो आप फॉलो करके पैसे कमा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा उसमें रिस्क मैनेजमेंट ले आओ, अपना स्टाइल ढूंढो, सबका हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, कोई लोग अग्रेसिव होते हैं, कोई लोग पैसिव होते हैं। अगर ऐसे बनोगे तो ज़्यादा कमाओगे, ज़्यादा खोओगे, बैलेंस वहीं घूम के बात वहीं आ जाती है। पैसे भरोगे तो कम कमाओगे, कम खोगे, बात वहीं आ जाती है। तो आपको ये अपना स्टाइल ढूंढना पड़ेगा, ये ट्रेडिंग करके आता है मेरे हिसाब से। जैसे उन्होंने कहा ना 10 साल तक उन्होंने ट्रेडिंग करी, तो आपके पास हैं क्या 10 साल फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए स्पेशली, जो मेरे हिसाब से वेस्ट है।
क्यों करनी है फुल टाइम, मेरे को तो समझ नहीं आता। काम करो, पैसे कमाओ, सेफ्टी नेट रहता है भाई, हमेशा एक सेफ्टी रहती है। ट्रेडिंग मेंटल गेम है, मेंटली और प्रेशर ले लो अपने पे कि मेरे को पैसे इससे कमाने, घर ही से चलाना है। क्यों करें मैं ऐसा, धीरे धीरे कैपिटल बिल्ड करो ना। बट अगर आपको मेरी और भी कोई मतलब वीडियोस देखनी हो, आप मेरी देख सकते हो, वो सारी मैं डालता रहता हूँ। स्ट्रैटेजी इक्विटी की मैंने एक दो डाली है, FNO की मैं सिंपल स्ट्रैंगल्स करता हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। बट आपको देखनी है आप देख सकते हो। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपने रिस्क और साइकोलॉजी पर ध्यान दो, और रिस्क मैनेजमेंट पर, और थोड़ा सा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी लोग सपने बेचते हैं यहाँ पर, मैंने 1 लाख रुपये कमा लिए, 2 लाख रुपये कमा लिए, या झूठ बहुत है इस फील्ड में। तो थोड़ा सा बच के रहो, कमाने वाले लोग करोड़ों भी कमाते हैं, बट वो इंटरनेट पे नहीं आके दिखा रहे कि मैंने आज 2 करोड़ कमा ली। कमाने वाले रोज़ 2 करोड़ भी कमाते होंगे, बट वो आके यहाँ पर आपको देख के कोर्स नहीं बेच रहे 5,000 रुपये का, 10 लाख रुपये कमा के। लोग 20-20 लाख रुपये दिन में कमा रहे हैं, और फिर टेलीग्राम पर 3,000 रुपये की सर्विस बेच रहे हैं। तो आप खुद समझ जाओ भाई, जो बंदा 20 लाख रुपये दिन का कमा रहा है, फिर वो 3,000 की सर्विस बेच रहा है लोगों को कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ। समझने वाले समझ जाएंगे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना।